दीनबंधु छोटू राम की जयंती के अवसर पर 24 नवंबर 2021 को चौधरी रामकुमार सोलंकी प्रधान 360 द्वारा हेल्प कैंप दादा देव मंदिर पर लगाया गया, जिसमें कैंसर की जांच, कैंसर के बारे में जागरूक, शुगर, ब्लड शुगर, हड्डियों की जांच, मनोग्राफी, ईसीजी आदि दादा देव मंदिर जांच के लिए चौधरी किशन चंद पूर्व प्रधान 360 पालम दादा देव मंदिर कमेटी के प्रधान चौधरी भूप सिंह, पंडित हरिओम, ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष और बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी हेल्थ कैंप में आकर जांच कराई। इस मौके पर चौधरी रामकुमार सोलंकी प्रधान 360 ने कहा कि आज के युग में प्रदूषण कितना बढ़ गया है, जिससे बीमारियां बहुत फैल गई है, इसलिए आदमी को निरोग रहने के लिए अपने स्वास्थ्य की जांच समय समय पर कराते रहना चाहिए। इस मौके पर हर खबर की टीम ने चौधरी रामकुमार सोलंकी प्रधान 360 व मंदिर के प्रधान भूप सिंह से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली, पालम दादा देव मंदिर। जी, जैसे कल आप लोगों ने कैंप लगवाया, उस कैंप के द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे आप? 360 गांव के प्रधान भी हैं पालम के। मैं हर खबर का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं जो यह खबर जन तक पहुंचाए रहे हो। हेल्थ का मतलब ये स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो आदमी आगे कार्य करेगा। आदमी की सबसे बड़ी है निरोग, निरोग रहेगा तो सारे कार्य ठीक होते चले जाएंगे। इसलिए हमने यही सोचा कि समाज में कोरोना की वजह से बहुत महामारी फैल चुकी है, आदमी काफ़ी बीमार रहने लग गए थे, इसलिए बीएल कपूर हॉस्पिटल से हमने रिक्वेस्ट की, वे यहाँ आए, उन्होंने कैंप लगाया और कैंसर का, कैंसर के बारे में जागरूकता, ईसीजी, मेमोग्राफी और ये ब्लड शुगर, शुगर काफ़ी जांच की उन्होंने, निरी हड्डियों की जांच, और निःशुल्क थी, कोई पैसा नहीं लिया गया। किसके उपलक्ष्य में सर? छोटू राम जयंती के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया, क्योंकि सर छोटू राम एक हमारे किसानों के मसीहा थे, उनको पूरे देश विदेश में उनकी जयंती मनाई जाती है। इस जयंती के अवसर पर हमने ये कैंप लगाया, उनके से ही हम प्रेरणा लेकर ये करते हैं, उनकी प्रेरणा पर हम चलते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलकर हम ये सोचते हैं कि समाज का भला हो, और समाज हित में ये कैंप लगाया था लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। प्रधान जी, जैसे अभी आपने किसान की बात की, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया कि हम किसान बिल वापिस ले रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? आप 360 गांव के प्रधान भी है, शायद आपके बयान से कुछ अलग ही मैसेज जाए शायद किसानों तक। देखियो, किसान बिल तो ये वापिस होना ही था, क्योंकि देश में 70-80% किसान हैं, 70% से ऊपर किसान हैं, तो ये सारे एकजुट थे, किसानों का बिल तो लेना ही वापस था। जब किसानों ने बिल को ये मांगा ही नहीं था, बिना मांगे क्यों दे रहा था? है ही बात दूसरी, हमारी और 6 मांगे और हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि उन 6 मांगों को और मान लें तो हमारा किसानों का भला हो जाएगा। क्या मांगे हैं जो और 6 हैं? और जैसे जो बॉर्डर पे किसान बैठे 700 के आसपास, वहाँ पे किसान मर भी चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो MSP कानून का हमारा गारंटी चाहते हैं कानून में। दूसरी मांग है हमारा, जो ये गाड़ी चढ़ाई थी हमारे मंत्री जी ने, मिश्रा जी ने, उनको केंद्रीय मंत्री मंत्री से बर्खास्त किया जाए। तीसरा, हमारा सामाजिक जो ये किसान शहीद हुए हैं उनके याद में कोई स्मारक बने और उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए। और हमारे जो ये और छोटी मोटी 3 मांगे और हैं, जैसे हमारा ये कृषि, ये उनके दायित्व है, कई मांगे हमारी किसानों की, उनको हम चाहते हैं कि ये सरकार उनको पास करे। मेन हमारा यही है कि MSP का हो, कि उसको मंत्री को बर्खास्त करे और ये क्या नाम है इसका स्मारक बने और शहीदों को दर्जा दिया जाए किसानों का। सर, जिस तरह जो बयान आए, 1 साल हुआ ही आ रहा किसानों को बॉर्डर पे, मगर मोदी जी के बयान के बाद भी किसान बॉर्डर पे बैठे, आखिर अब क्या वेट किया जा रहा है? हम ये वेट कर रहे हैं, एक तो ये किसानों का इसमें बिल पास हो जाए संसद में,
संसद में बिल पास होने के बाद फिर ये किसान गारंटी का भी इसमें बिल पेश कर दें, हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं किसान। यानी कि अगर ये नहीं होता तो किसान बॉर्डर पे ही रहे। देखिए ये हमारे 40 जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हम उनके साथ हैं, जो वो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, जैसा उनका मन है। भूप सिंह प्रधान जी, आप दादादेव मंदिर के प्रधान है और आज यहाँ पे जो फ्री चेकअप कैंप आयोजन किया गया, ये किस क्या मैसेज इससे देना चाह रहे हैं और किस उपलक्ष में ये कैंप यहाँ पे आयोजन किया गया? ये बहुत बढ़िया बात आपने आजाद जी, यहाँ दादा देव मंदिर के प्रांगण में आप आए और आपके हर खबर का चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप आते रहें, हमारे यहाँ हर संडे हर जयंती पर कैंप लगते हैं। आज हमारे यहाँ दादा देव मंदिर के प्रांगण में सर छोटू राम जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पाड़म 360 चौधरी राम कुमार जी ने जो ये कैंप लगवाया है, आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों को यहाँ आराम मिल रहा है और चेक वगैरह किए जा रहे हैं। हम डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ हर समय कोई ना कोई कैंप में हमारी जितनी भी दादा देव के ये भक्त आते हैं इनकी सेवा में लगे रहते हैं। मैं डॉक्टर साहब का भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ हर रविवार को दादा देव मंदिर के प्रांगण में कैंप लगते हैं, अब संडे को है 28 तारीख सुबह 10 बजे, उसमें भी पूरे शरीर का चेकअप किया जाएगा। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी इस 28 तारीख को भी आना और हमारा ये जनता तक संदेश पहुँचाना और आप लोगों का जो ये चैनल चला हुआ है, मैं इसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।